हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क को लेकर के है। कैल्क में ही आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे ओ लेवल करते हैं या जो लोग कैल्क पढ़ते हैं उनके लिए ये खास है वीडियो। तो यहाँ पर कैल्क में हम आ चुके हैं, इन हो चुके हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। सबसे ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, फिर ये मेन्यू बार है, फिर ये स्टैंडर्ड टूल बार है, फिर ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, फिर ये फॉर्मूला बार है, ये नेम बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर नेम बॉक्स का क्या फायदा है, आपने देखा होगा एक्सेल में नेम बॉक्स का तो फायदा होता ही है, यहां पर भी वही फायदा है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम कुछ लिखते हैं, सपोज कीजिए 5 लिखा यहां पे, फिर यहां पर एंटर किया और एंटर करने के बाद यहां पे लिख दिया हमने, पहले तो ऊपर आएंगे, यहां पर आके यहां पर लिख दिया हमने फिर 50, फिर यहां पर लिखा 8, फिर यहां पर लिखा 50, तो यहां पर कुछ नंबर हम एंटर करते जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 77, तो ये अलग अलग मार्क्स जो है, नंबर जो है हम एंटर करते जा रहे हैं। और इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके और कहाँ जाएंगे, ये देखिए ये जो नेम बॉक्स है ना, यहाँ पर आएंगे और मैनेज नेम्स पे जाएंगे। ठीक है, और इस रेंज को जितना सेलेक्ट किया है इस रेंज को एक नाम देंगे। तो यहाँ पे नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर इस रेंज को हम एक नाम देंगे और क्या नाम देंगे, इसे हम नाम दे देते हैं नंबर्स, NUMBERS। ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई इसमें असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए कैपिटल ही लिख लेते हैं, क्या पता मन में डाउट हो। ठीक है, तो ये लिख लिया नंबर्स। ठीक है, और अब यहां से ऐड कर दीजिए इसको, ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पर अगर दूसरी भी रेंज ऐड करनी है आपको तो यहां पर ऐड पे क्लिक कर सकते हैं और दूसरी रेंज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो दूसरी रेंज है ये रेंज है और इसे मैंने नाम दे दिया नंबर वन, नंबर वन, ये क्या नाम दे दिया नंबर वन। ठीक है, और यहां पर ऐड पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे दो रेंज आ गई है हमारे पास, एक तो ये वाली रेंज है, इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं क्योंकि यहां पे कुछ भी हमने लिखा नहीं हुआ है और हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो इसके वजह से। ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं, यहां पर जो है ये कुछ इस तरीके से आ गया है, यहां पर ये कलर रख लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर कुछ लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 67 लिखा, 44 लिखा, 77 लिखा, 87 लिखा, 90 लिखा, कुछ कुछ ना कुछ नंबर्स यहां पे एंटर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद हुआ क्या, हुआ ये कि जब आप फॉर्मूला या फंक्शन कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सम लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब ब्रैकेट ओपन करने के लिए एक्सेल की तरह आप टैब नहीं दबा सकते यहाँ पे, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। तो इज इक्वल टू लगाया, सम लिखा और शिफ्ट दबा के 9 नंबर अल्फा न्यूमेरिक की दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये नंबर वन, नंबर टू, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे टाइप करना है नंबर, क्या टाइप करना है नंबर, NUMBER, क्या टाइप करना है नंबर ही आपको टाइप करना है। ठीक है, आप इस रेंज पे जाएंगे ना तो ये देखिए ये जो है ना, ये जो रेंज है इसको हमने क्या नाम दिया है, नंबर नाम दिया है। तो इस रेंज को अगर हम सेलेक्ट ना करके यहाँ पे नंबर लिख दें तो क्या हमारा काम होगा, तो लगाते हैं वापस से और यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं और अब यहाँ पे दे देंगे नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स दे दिया, केवल हमने नंबर्स दिया, देख सकते हैं केवल और केवल हमने नंबर्स दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। तो अभी एंटर करने पर क्या होगा, 348 आ रहा, बट ये क्या है, यहाँ पे नंबर्स को ये क्यों एड कर रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज को हमने एक नाम दे दिया है नंबर्स और इस पर्टिकुलर रेंज में 5 है, 50 है। अगर आप इसको ऐड करते हैं, मैन्युअली ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वल टू लगा लिया, 5 को सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया, इस तरीके से सबको ऐड करेंगे ना तो उतना ही आएगा जितना ऊपर आया हुआ है। मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि एकदम ये चीजें 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी। ठीक है, और एक्सेल में तो आपको पता ही, एक्सेल में तो बहुत आसान है यही चीज, सेम यही तरीका है। लेकिन अगर मान लीजिए ये नंबर वन है तो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा नंबर वन नंबर टू दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पहले दे देंगे नंबर्स, नंबर्स नाम दिया था उस रेंज को तो ये नंबर्स नाम दे दिया हमने, कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगा के क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नंबर वन, नंबर वन ये लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। अब दोनों को एक साथ ऐड कर रहा है, देखिए यहां पे मैं दिखाता हूं करके, यहां पे अगर मैं सम फंक्शन लगाता हूं और इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं, ये देखिए ये सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया तो यहां 348 आया और यही सेम इधर की तरफ ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए ये यहां से, तो देखिए 348 में, यानी अगर हम इसको और प्लस इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 801 आएगा। यहां पे देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नेम रेंज का ये फायदा है और इसका आप यूज कर सकते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो तो यूज कर सकते हैं। एक्सेल में भी यही है,
एक्सेल में भी सेम तरीका है नेम रेंज बनाने का। तो देखिए अगर मैं एक्सेल ही ओपन कर लेता हूं तो एक्सेल में भी आप देखेंगे कि यहां पर आया मैं और कोई नेम रेंज बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम इतना पर्टिकुलर एरिया इतने में एक नेम रेंज देना चाहते हैं, तो नेम रेंज कहां से देंगे, फॉर्मूला स्टेप पे जाएंगे और यहां से आप देखेंगे आपको क्या करना है, व्यू टैब पे जाना है और यहां से ये फॉर्मूला बार अनटिक है तो इसे टिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये नेम बॉक्स आ गया आपका और ये है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। और अब जो है हम क्या करते हैं, वापस से इतना हिस्सा सेलेक्ट करते हैं और इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं ताकि ये पता लगता रहे तो भूल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना हिस्सा, इतने हिस्से को हम एक नाम देंगे और यहाँ नेम रेंज पे जाके नाम देंगे, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूलाज पे जाके और यहाँ से डिफाइन नेम पे जाके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन नेम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस रेंज को एक नाम दे देते हैं। मैं क्या नाम दे देता हूँ, चलिए नंबर ही दे देते हैं, नंबर्स जो वहां पे दिया था तो यहाँ पे नंबर्स दे दिया और ओके कर दिया। तो इतने रेंज को एक नाम दे दिया। अब यहाँ पे कुछ नंबर हम टाइप कर देते हैं तो ये टाइप भी कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से इस रेंज में कुछ नंबर टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। और टाइप करने के बाद अब इस रेंज को तो एक नाम ही दे दिया है हमने नंबर्स, अब यहां पर फॉर्मूला फंक्शन लगाते हैं सम का। तो ये सम का फंक्शन लगाया, ये तो एक्सेल है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसे हमने क्या नाम दिया था, नंबर्स, एन यू एम बी ई आर एस, ये नंबर्स लिखा हमने और ये आ गया यहां पे। और इसको बंद करेंगे तो सबको ऐड कर देगा। तो देखिए ये ऐड करके दे रहा है, सेम वही तरीका सेम वही चीज एक्सेल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको सबको प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे पी आर ओ डी यू सी टी आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखा, अब एक्सेल में देखिए प्रोडक्ट का फंक्शन लगाइए पी आर ओ डी यू सी टी, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लगाया और अब आपको यहाँ पे खाली लिख देना है नंबर्स, एन यू एम बी ई आर एस, तो ये हो गया नंबर्स। और ये सबको गुणा करके मल्टीप्लाई करके दे देगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये सारे नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे टू कर दिया, फिर टू कर दिया, फिर यहाँ वन कर दिया, फिर यहाँ वन कर दिया, फिर यहाँ वन कर दिया, फिर यहाँ टू कर दिया, फिर यहाँ वन कर दिया, फिर यहाँ वन कर दिया। तो देखिए ये आपको मल्टीप्लाई होता हुआ भी नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आंसर आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो नेम रेंज को डिफाइन करने में मदद मिलेगी, चाहे वो लिब्रे ऑफिस कैल्क हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो। अब आपको कुछ भी करना होगा, चाहे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में करना चाहते हो या एक्सेल में करना चाहते हो, तो ये पर्टिकुलर रेंज के नेम के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब यही नहीं है, इसका एवरेज भी आप नेम रेंज से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ए बी ई आर ए जी ई एवरेज नाम का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको पूरे को सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर हमने इसे नाम दिया था नंबर्स, तो हम यहाँ पे नंबर्स ही डाल देंगे, एन यू एम बी ई आर एस, ठीक है। इस वाले रेंज को हमने नाम दिया था नंबर्स, ध्यान दीजिएगा इस वाले रेंज को, ठीक है। 348 इसमें इंक्लूड नहीं है, 99 तक इंक्लूड है, ठीक है। और इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, इतने हिस्से का ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर इसे नाम क्या दिया था, नंबर वन, तो अगर हम इसका भी कैलकुलेट करना चाहें तो इसका भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ फंक्शन लगाएंगे ए बी आर ए जी एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से जाएंगे तो अब इसको सेलेक्ट नहीं करना, यहां लिखना है नंबर वन, नंबर वन, ये हो गया, आप ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहां पर ये एवरेज भी कैलकुलेट हो रहा है, दोनों का एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। और यही चीज आप एक्सेल पे भी करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये एक्सेल है, यहां पर भी आप कर सकते हैं यही चीज। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सब कैसे करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप वो लेवल के क्लासेस से जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये भी वीडियो रिलेटेड टू ओ लेवल ही है तो इसमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस ही पढ़ाया जाता है ओ लेवल में, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलता था, अब लिब्रे ऑफिस आ गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।